बहुत शुक्रिया हमजा। व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट लास्ट नाइट हमने देखी, आउट क्लास। उधर से पिशावर का स्टार्ट अगर देखा जाए वो कमाल, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद हारिस ने मजा करवाया स्टार्ट में, जो एक थ्रिलर चाहिए था स्टार्ट का वो प्रोवाइड किया, लेकिन बाद में सूरत हाल थोड़ी सी चेंज हुई और गिरते पड़ते 185 कर गए। लेकिन ऑन द अदर हैंड स्टार्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस जो चीज़ें कुछ आ गई हैदर अली की सूरत में, इमाद वसीम तो चलो लास्ट मैच भी उसने परफॉर्म किया है, ये इसकी कोई तैयारी नहीं लगती थी मुझे लगता पेशावर की। देखिए एक शानदार मैच है, सबसे पहले तो पीएसएल को ऐसे मैचेस की ज़रूरत थी कि जो इस तरह के एक ऐसी जगह से जीते जहां पर लगता नहीं था कि ये टीम वापस आएगी, जब आप 5 विकेट्स गवा दें 90 रन पर, लेकिन इनके पास लग्जरी ये है कि दे बैट डीप एट डीप। इमाद वसीम जैसा प्लेयर अगर आपका 7वें नंबर पर आ रहा है, और हैदर अली ठीक है वो बहुत अरसे बाद उन्होंने रन किए हैं, लेकिन इनका यही है कि एक सरप्राइज पैकेज है, किसी वक्त भी यू कैन एक्सप्लोर एंड यू कैन प्ले एन इनिंग्स लाइक दिस। और प्रोवाइडेड के उनको दो चीज़ें उनकी फेवर में गईं, एक तो कल उन्होंने अपने आप को शुरू में वक्त दिया, आते साथ ही उन्होंने स्ट्रोक्स नहीं मारे, तो आई थिंक उसमें भी जो है इमाद वसीम का ज़रूर रोल है, बिकॉज उन्होंने बड़ी सेंसिबल इनिंग खेली और वो शुरू में बड़ा कह लीजिए कि केयरफुल होके खेल रहे थे, उन्होंने आते ही कोई शॉट्स बड़े हिट मारने की कोशिश नहीं की, और बल्कि छक्का तो कोई लगा ही नहीं है, 9 चौके उनके इनिंग्स में। और साथ में हैदर अली को भी मेरा ख्याल है साथ साथ डेफिनेटली वो बताते रहे और चलाते रहे कि अभी आप आराम से रहें, और फिर जब थोड़ा अपने आप को वक्त दे दिया जाहिर है फिर जाना था और रन्स के पीछे। दूसरा फिर जो बॉलिंग हुई है, मतलब आमिर जमाल 18वें ओवर 23 रन्स, और अगर आप उस ओवर को देखें तो हैदर अली को उन्होंने लेंथ प्रोवाइड की, जिसके वो उनके लिए कह ले कि हैदर अली क्या मांगेगा, अब ख्वाहिश करें कि मुझे क्या बॉलिंग हो, तो वो लेंथ बॉलिंग होगी टांगों पर, क्योंकि वो बहुत अच्छी हिट घुमाते हैं अपनी लेग्स की तरफ। और इमाद वसीम सामने आया तो आप उनको ऑफ स्टंप से बाहर विकेट दे रहे हैं, शॉर्ट बॉलिंग कर रहे हैं, कट्स खा रहे हैं उनसे, या उन्हें स्लॉट में बॉलिंग कर रहे हैं, ना उन्होंने कोई यॉर्कर्स मारने की कल कोशिश की, ना कोई उन्होंने इन दोनों बैटर्स को बाउंसर करने की कोशिश की, कि जो एक हैवी बॉल है, और हमें पता है कि आमिर जमाल का पिछला बॉल थोड़ा तेज़ है, सरप्राइज़ का एलिमेंट होता है उसमें बैटर्स के लिए, वो दोनों चीज़ें नज़र नहीं आईं। और बहुत ज़्यादा रिलायंट थे ये लोग कि जी स्कोर ही इतना ज़्यादा हो जाए कि कुछ ना हो, क्योंकि फील्ड के अंदर और जिस तरह की बॉलिंग थी इनकी वो अप टू द मार्क नहीं थी। आई थिंक 590 पे आउट करने के बाद आप अगर अगले 100 रन इस तरह करवाएं और आप अपनी जगह पे बॉलिंग भी ना करें, ऑल दो के क्रेडिट तो इमाद और हैदर को जाता है, लेकिन बॉलिंग का भी उसमें अमल दखल है कि वो एग्जीक्यूशन जो प्लान होगा डेफिनेटली ये वो बॉलिंग नहीं थी जो इनका प्लान होगा।